नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए खुशखबरी। वादे के मुताबिक आज के इस वीडियो में सभी व्यूअर के लिए 30,000 का प्राइज जीतने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बस इस प्राइज मनी को जीतने के लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा, क्योंकि कभी भी प्राइज मनी जीतने के लिए जारी किए गए कॉन्टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 138 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 3,945 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 6, जहानाबाद में 3, नवादा में 4, वैशाली में 3, गया में 4, पटना में 4, भागलपुर में 7, सिवान में 9, समस्तीपुर में 3, बांका में 5, जमुई में 2, अररिया में 5, दरभंगा में 16, कटिहार में 15, नालंदा में 1, गोपालगंज में 3, सारण में 3, ईस्ट चंपारण में 9, मधुबनी में 5, लखीसराय में 1, खगड़िया में 13, सहरसा में 2, सुपौल में 9, कैमूर में 1, रोहतास में 2, मधेपुरा में 3 मामले सामने आए हैं। बिहार में अब तक 1741 मरीज हुए ठीक। बिहार में प्रवासियों की आवाजाही के बाद से कोविड-19 के मामले में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बीते दिन शाम 4 बजे के अपडेट के अनुसार अब तक कुल 78,090 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें से 1741 यानी बीते दिन 221 मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया जरूरी गाइडलाइन। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अनलॉक 1 में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2 कर्मचारी आमने सामने नहीं बैठ पाएंगे। कर्मचारियों को आंख नाक और मुंह छूने से मनाही रहेगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट के बदले सीढ़ी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कार्यालय में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग नहीं करना होगा। वहीं सभी कर्मचारियों के ग्रुप में लंच करने पर भी रोक लगा दी गई है। BSRTC बसों के माध्यम से कोविड-19 रोकथाम के लिए किया जाएगा जागरूक। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बावजूद बहुत लोगों में कोविड-19 को लेकर जागरूकता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जून से बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें चलानी शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें कोविड-19 जागरूकता का जरिया बनेंगी। खबरों की माने तो राज्य में चलने वाली सभी बसों पर आकर्षण इमोजी और स्लोगन के जरिए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बीते दिन दी है। फेम इंडिया सर्वे में पटना के डीएम को मिला पहला स्थान। बीते दिन फेम इंडिया मैगजीन द्वारा दिए गए सर्वे में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को पहला स्थान दिया गया है। किए गए सर्वे में जिलाधिकारी कुमार रवि का नाम बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन इंडिया के लिए लिया गया है। इसके साथ ही फेम इंडिया मैगजीन में 50 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें पटना के डीएम पहले स्थान पर है। इसके अलावा बिहार के 3 अन्य डीएम का नाम भी इसमें मौजूद है। खबरों की माने तो इसमें दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन, SM समस्तीपुर के डीएम शशांक शंभुकर और पूर्णिया डीएम राहुल कुमार का नाम शामिल है। राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस बार बंद के बजाय अनलॉक 1 के नियमों को लागू कर दिया है, जिसके बाद अभी अपने घर से बाहर निकलने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन आदि के दौरान लोगों के लिए मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पंचायतों ने पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा 160 करोड़ की राशि भी सभी ग्रामीण परिवारों को 1 साबुन और 4 मास्क उपलब्ध करवाने के लिए दिए हैं, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। चिराग पासवान ने की केंद्रीय विद्यालय में 3 महीने की फीस माफ करने की मांग। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 3 महीने की राशि माफ करने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर इस बात का आग्रह किया था। जिसके तहत पासवान का कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनकी नौकरियां चली गई है। ऐसे में कई सारे ऐसे छात्र हैं जो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को केंद्रीय विद्यालयों में 3 महीने की फीस माफ करनी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासी व्यक्तियों की होगी भागीदारी। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण प्रवासियों की आवाजाही जोर शोर से बिहार में देखने को मिली है, जिसके तहत अब तक लाखों प्रवासी बिहार लौट चुके हैं। वहीं इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ डिजिटल चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ वापस लौटे प्रवासी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। जानकारों की माने तो बिहार की सियासत में इस बार एक खास अंतर देखने को मिल सकता है। प्रवासियों के लौटने से वोटिंग परसेंटेज में फर्क देखने के आसार है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रवासी मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं।
बिहार के डॉक्टरों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक की छुट्टी 30 जून तक के लिए की गई कैंसिल। कोविड 19 के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच सभी स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। खबरों की माने तो सरकार ने इन सभी कर्मियों की छुट्टी 30 जून तक कैंसिल कर दी थी, क्योंकि कोविड 19 बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है और फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। और ऐसे में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ही आम नागरिकों का सहारा बने हुए हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि कोविड 19 से उत्पन्न संक्रमण के रोकथाम और इसके उपाय हेतु राज्य में सभी चिकित्सा पदाधिकारी, नियोजित कर्मियों, चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक सबकी छुट्टी कैंसिल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी मुखिया को याद दिलाया उनका काम। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच पंचायत के लिए 160 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसके जरिए गांव वालों के बीच साबुन और मास्क का वितरण किया जाना था, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी मुखियाओं को उनके काम को याद दिलाते हुए अनलॉक 1 में साबुन और मास्क वितरण को सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 जून तक बिहार में आ जाएगा मॉनसून। बिहार में इस साल मॉनसून 14 जून तक आने की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बीते दिन केरल के तट पर पहुंच चुका है, जिसके लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में काफी अनुकूल वातावरण भी तैयार हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14-15 जून को मॉनसून बिहार में आ जाएगा। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में मॉनसून की हवाएं चलने लगी है, और दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में चक्रवात हवाएं भी चल रही हैं। यही कारण है कि बिहार में मॉनसून के 14 तक आने की संभावना बढ़ गई है। बंद के बीच बिहार पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से लिए 20 करोड़ से ज्यादा रुपए। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पूरे देश में बंद का माहौल जारी कर रखा है। वहीं बीते दिन से अनलॉक 1 के प्रावधान को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में बीते दिन बंद के दौरान मार्च से लेकर अभी तक लिए गए पैसों का वर्णन दिया गया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय ने बताया कि अब तक 20,42,38,000 रुपए वसूले जा चुके हैं। यह पैसे उन लोगों से लिए गए हैं जो बंद के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे थे। बिहार में कोरोना माई पूजा की हुई शुरुआत। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए प्रदेश में बीते दिन से कोविड 19 माई की पूजा होने लगी है। यह वाकया गोपालगंज जिले का है, जहां पर महिलाओं ने कोरोना माई की पूजा शुरुआत कर दी है। गोपालगंज के हथवा इलाके में कुछ गांव में बीते दिन सुबह से ही डर और अंधविश्वास की वजह से पूजा देखने को मिला, जिसके दौरान महिलाओं ने बताया कि एक वीडियो मैसेज में उन्हें यह जानकारी मिली थी कि कोविड 19 देवी की नाराजगी से कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। बिहार भाजपा ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी पार्टियों ने फिलहाल वर्चुअली अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारी की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत भाजपा की वर्चुअल रैली की शुरुआत 9 जून को होगी, जिसका संबोधन गृहमंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसकी जानकारी भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ललन कुमार ने की बंद के कारण निजी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों के मदद की मांग। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण और काम के बंद होने के कारण बहुत सारे कर्मचारियों को उनके काम से बाहर निकाल दिया गया था, जिसको लेकर अब युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने सरकार से आग्रह किया है कि बेरोजगार हो रहे लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या ऐप जारी किया जाए, जहां पर वो अपनी बात रख सके। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौकरी से नहीं हटाए जाने या वेतन नहीं रोकने की अपील की थी, परंतु पिछले 2 महीने में कई निजी संस्थाएं, कंपनियों और एजेंसियों ने और बाकी सभी जगह के कर्मचारियों को हटा दिया है। इतना ही नहीं, 20 दिनों तक काम करने वालों को उनका वेतन भी नहीं दिया गया, जिसके लिए उनकी मदद की जाए और ऐसे लोग सामने आकर बात रखे ऐसा कोई विकल्प भी नहीं ढूंढा गया है। बिहार सिटी मैनेजर के 163 पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। शहरी विकास एवं आवास विभाग बिहार में सिटी मैनेजर के पदों पर आवेदनों की मांग की थी, जिसके तहत अभ्यर्थियों को इन पदों पर 10 जून 2020 तक अब आवेदन भरना है। पहले यह तारीख 27 मई तक तय की गई थी। विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कुल मिलाकर 163 पदों पर आवेदनों की मांग की गई है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MBA या PG डिग्री, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सिटी मैनेजर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आए उद्योग पर फोकस करने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 के रोकथाम के लिए जारी किए गए कामों की समीक्षा बैठक की है, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को कई सारे जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने उद्योग विभाग को बिहार में आए श्रमिकों के साथ ही यहां पर रह रहे लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही कार्य योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने का भी आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की स्किल के अनुरूप नए उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है।
सूचना सचिव अनुपम कुमार ने अनलॉक वन में ज्यादा सजग रहने की दी नसीहत। सूचना सचिव अनुपम कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा बीते दिन अनलॉक वन में सभी आम नागरिकों को ज्यादा सजग रखने की नसीहत दी है, क्योंकि बीते दिन से बिहार में कई सारी चीजें फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान को तेजी से चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि अनलॉक वन में गतिविधियां को बढ़ाया गया है, ऐसे में लोगों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथ ही फिलहाल कोविड 19 का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता ही कोविड 19 से बचाव का प्रभावी उपाय है। पुलिसकर्मियों को रोटेशन वाइज छुट्टी देने का जारी किया गया आदेश। अनलॉक की शुरुआत होने के साथ ही बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों के लिए अभी जरूरी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिहार मुख्यालय ने इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार पुलिसकर्मियों को रोटेशन के आधार पर छुट्टी मुहैया करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी कर दी गई है। मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी बीएसपी के कमांडेंट और उसके साथ साथ रेल पुलिस के अधीक्षक से इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। बिहार में 246 इंजीनियर का हुआ तबादला। कोविड 19 के इस माहौल के बीच बीते दिन बिहार में 246 इंजीनियर का तबादला किया गया है, जिसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। सरकार की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार जल संसाधन विभाग ने 246 इंजीनियर का ट्रांसफर विभिन्न जिलों में किया है। तबादलों की लिस्ट में 149 सहायक अभियंता, 86 कार्यपालक अभियंता और 11 अधीक्षक अभियंता का तबादला किया गया है, जिसकी पूरी सूची जल संसाधन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट wrd.bis.nic.in पर जाकर देखी जा सकती है। राजद 9 जून को मनाएगा गरीब अधिकार दिवस। 9 जून को जहां एक तरफ भाजपा बहुत बड़ी वर्चुअल मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका संबोधन अमित शाह करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद ने बीजेपी के इस घोषणा के बाद 9 जून को ही गरीब अधिकार दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की रैली पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि कोविड 19 के इस माहौल में देश के गरीबों की हालत खराब है, मजदूरों की जान जा रही है और भाजपा रैली करने में व्यस्त है। भाजपा के इस कदम से यह साफ हो जाता है कि भाजपा को गरीबों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान है। राज्यसभा की 18 सीटों पर चुनाव की तारीख की हुई घोषणा। बीते कल से एक बार फिर से बिहार में सभी लोगों का दिनचर्या वापस से पटरी पर आने लगी है, जिसके तहत काम भी दोबारा से शुरू होने का ऐलान जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में राजनीतिक कार्यक्रम को भी समय पर करवाने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसके तहत राज्यसभा की खाली पड़ी लंबित सीटों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख जारी कर दी है। खबरों की माने तो 19 जून को चुनाव करवाया जाएगा। 30,000 का प्राइज जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका। गवर्न आई ऐप आपको एक मौका दे रहा है, जहां पर आप अपनी प्रतिभा के दम पर जीत सकते हैं 30,000 रुपए का इनाम। इसके लिए आपको गवर्न आई ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जो कि गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। वहां एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा, जिसका विषय है रोजमर्रा की जिंदगी में कोविड 19 के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। इस विषय पर आपको 500 शब्दों में एक लेख लिखना है। यह लेख आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने लेख को #covidsafetyideas जरूर लगाएं। इस ऐप की सबसे खासियत यही है कि यह भारत में निर्मित ऐप है और यहाँ पर किसी तरह से कोई भी ट्रोलिंग की सुविधा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी देने की जरूरत है, जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर। यह ऐप एंड्रॉइड फोन और आईफोन में उपलब्ध है। इस ऐप में देश के हर क्षेत्र के 200 सांसद और विधायक जुड़े हैं, जो अपनी बात इस ऐप के माध्यम से शेयर करते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 के 3 प्राइज दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता की आखिरी तारीख 15 जून है और जुलाई 15 को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। याद रहे, नियम और शर्त यही है कि लेख हिंदी और अंग्रेजी में 500 शब्दों में लिखा होना चाहिए और #covidsafetyideas आपको अपने लेख के साथ जरूर लगाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल बोर्ड ने की बोर्ड परीक्षा की तारीख की घोषणा, जिसकी जानकारी विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर रहा है। खबरों की माने तो परीक्षाएं 17 जुलाई से होंगी। वहीं छात्रों की सहूलियत को देखते हुए पूरे डेटशीट को NIOS के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह परीक्षा पहले 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। मशहूर संगीतकार वाजिद खान ने दुनिया को कहा अलविदा। इरफान खान, ऋषि कपूर के बाद अब मशहूर संगीतकार निदेशक वाजिद खान ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की माने तो वाजिद खान कुछ दिनों पहले से ही किडनी की कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे। वहीं बीते दिन हालात खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड ने वाजिद खान के जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। लॉकडाउन के बाद अपने प्लान के बारे में धोनी की पत्नी साक्षी ने किया खुलासा। महेंद्र सिंह धोनी भले ही अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर नहीं आते, मगर उनकी पत्नी साक्षी आए दिन अपने सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव मोड में नजर आती है। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन लॉकडाउन के बाद अपने प्लान के बारे में जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अगर क्रिकेट है तो फिर क्रिकेट ही होगा, लेकिन माही और मैंने पहाड़ों पर जाने की योजना बना रखी है। हम उत्तराखंड जाने की योजना बना रहे हैं, छोटे से गाँव में रहेंगे हम, सड़क के रास्ते जाएंगे, कोई फ्लाइट नहीं होगी। वहीं IPL की वापसी को लेकर साक्षी ने कहा है कि अभी भी CSK की कमी खल रही है, लेकिन हमें अभी नहीं
पता है कि आईपीएल होगा या नहीं, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभियानंद, सुधांशु कुमार, सत्या सिंह, सत्येंद्र कुमार, मोनू कुमार, सोनू यादव, बलवंत राय, हरेंद्र कुमार, मोहम्मद सरफराज, अनुपम कुमार, सुशील कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बीते दिन से अनलॉक 1.0 के तहत मिली छूट में आपने सबसे पहले कौन सा सबसे लंबित काम पूरा किया? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।